ईयरबड, सीजर, टेप, वाटर, पेन, फॉइल पेपर। अब हमें क्या करना है कि ईयरबड को कट कर लेना है शार्प एज से, जिसे हम अपने पेन के टिप पे लगा सकें। और कट करने के बाद हमें पेन को ओपन कर लेना है, उसके रिफिल को निकाल कर और उसके टिप में अच्छे से ईयरबड को फंसा देना है अंदर तक, जो कि अच्छे से लग जाए। उसके बाद उसे थोड़ा सा सेट कर देंगे हम। और अब सेट करने के बाद एक फॉइल पेपर लेंगे, छोटा सा टुकड़ा, जिससे हम इसे उसके टिप पे लपेट पाए। अब हमें उसके टिप पे लगाते हुए जो कॉटन है उसमें ज़रूर टच करना चाहिए, उसमें उसके टिप पे लगाते हुए और उसे हमें फॉइल करते हुए ऊपर तक लाना है। अच्छे से उसे रैप करें जिससे कि वो उस पर टच रहे। और करने के बाद उसे ऊपर लगा देना है हमें। लग जाने के बाद हमें थोड़ा सा और ले लेना है, जिससे कि अच्छे से उस पर ग्रिप बन पाए। उसे कॉटन में टच रहना बहुत ही ज़रूरी है। अब हमें टेप लेना है और उससे टेप मिल नहीं रहा है। अब टेप को कट करके जो पेन की टिप है उस पर हमें अच्छे से उसको रैप कर देना है, जिससे कि फॉइल पेपर उससे उखड़े या अलग ना हो, उस पर बना रहे। और एक और हमें टेप लेना है, जिसे हम अब जहाँ से हम पेन को पकड़ेंगे, जहाँ ग्रिप बनेगी वहाँ पे लगाना, कि पीछे से भी फॉइल पेपर ना उखड़े। उसे हमें निकाल लेना है और लगा देना है। अच्छे से टेपिंग कर देनी है, जिससे कि बाद में हमें यूज करते हो ये ओपन ना हो और ना कोई प्रॉब्लम हो हमें। उसके बाद सब कंप्लीट हो जाने के बाद हमें थोड़ा सा, अब हमें एक दूसरा फ़ोन चाहिए जिससे हम कर सकें, दिखा सकें आप लोग को कि इसकी वर्किंग कैसी है। थोड़ा सा एप्लीकेशन ओपन हो रहा है। होने के बाद हमें कॉटन के टिप पे बिल्कुल एक ड्रॉप के करीब वाटरिंग करनी है, जिससे कि पूरा कॉटन अच्छे से भींग जाए। और बस, और हमारा जो फिंगर है वो फॉइल पेपर पर ज़रूर टच करना चाहिए। उसके बाद देखिए वर्क करना शुरू कर दिया है। हमें टिप थोड़ी छोटी कर लेनी है, इसकी कलर भी चेंज कर लेते हैं। देखिए अब अभी कितना अच्छे से काम कर रहे हैं। हल्का हल्का सा जो वाटर अच्छे से नहीं लगा, इसलिए कुछ दिक्कत हो रही, लेकिन अब देखिए जब एक बार वाटर अच्छे से लग जाएगा तो आप लिखेंगे बहुत ही स्मूथ और बढ़िया से लिखेगा। इससे आप कोई भी काम या नोट वोट जो है कि आप कर सकते हैं। और आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। इससे आपकी पेन बन जाएगी ओनली 1 रुपीज़ में।